Nick. Bye bye. चंडीगढ़ विधानसभा सीट के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चली है। एक से बढ़कर एक राजनीतिक दलों के निगाहें चंडीगढ़ सीट पर टिकी हुई है और हो भी क्यों ना, चंडीगढ़ विधानसभा सीट ही झारखंड की दशा और दिशा निर्धारित होती है। इसी क्रम में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के टिकट से अजमल अंसारी को टिकट मिली है, जिसकी आधारिक घोषणा के बाद आज हजारों समर्थकों के साथ तोपचाची के भुइयां चित्रों स्थित प्रधान चुनावी कार्यालय से नामांकन के लिए धनबाद उपायुक्त कार्यालय निकले। अजमल अंसारी के समर्थकों में हजारों समर्थक ने नारे लगाए, समर्थकों में खास उत्साह देखा गया। अजमल के चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज होती दिख रही है। इस दौरान अजमल अंसारी ने धनबाद में अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि टुंडी के विकास के लिए हर संभव कार्य करेंगे, साथ ही कहा कि हर हाल में भारी मतों से जीत दर्ज करके टुंडी के विकास में अपना योगदान देंगे। देखिए जेएमएम की बात नहीं है, आप समझ लिए कि ना हमको लड़ाई हेमंत सोरेन जी से है, ना गुरुजी से है, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से। मेरी लड़ाई यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सालों साल से यहाँ के जनता को जो है धोखा देने का काम किया है, यहाँ के जनता को जो है बुड़बक बनाने का काम किया है, हमारी सरकार थी, यहाँ का विधायक हमारा था, सरकार में रहने के बाद विधायक कितना काम करता आप लोगों को पता होना चाहिए। मगर आप देखिए टुंडी विधानसभा में, आप देखिए मछियारा में, आप देखिए हाथोडी में, आप देखिए जाकर के पूर्वी टुंडी में क्या स्थिति बना हुआ है, आपको देखना चाहिए। अगर हम लोग जो है युवा है, हर एक जाति धर्म को लेकर के चलने वाला है, आने वाला समय आपके माध्यम से कहने दिखा देना चाहते हैं, अगर यहाँ की जनता ने टुंडी की जनता ने एक बार मौका दिया तो आने वाला समय में यहाँ के युवाओं का रोजगार के माध्यम से जो है आउटसोर्सिंग को जो है रास्ता खोलेंगे और कल कारखाना भी लगाएंगे। 24 साल हो गया इस राज्य को, यहाँ के आउटसोर्सिंग कंपनी के अलावा जो है कोई भी ऐसा कंपनी नहीं जहाँ पे यहाँ 100 लोगों को नौकरी दे दे, कौन व्यवस्था करेगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि करेगा, हम जैसे युवा करेंगे। हम लोग को यहाँ जो है भरोसा है कि जिस अनुसार से यहाँ की जनता ने मेरे कंधा पे जो बोझ रखा है, एक जिम्मेवारी दिया है, ये कंधा मजबूत है, इस बार जो है अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और विकास का एक नया गंगा बहाएगा। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ से आज के डेट में देखिए, देश का जब चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में इस देश का तीसरा सबसे बड़ा पार्टी बनकर निकला, और देश का तीसरा सबसे बड़ा पार्टी निकलने के बाद ये पूरे देश में जो है केंद्र अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो है लोकप्रियता बढ़ा है। आज देखिए पाकुड़ से अकेला यादव जी है, कांग्रेस जो हाल फिलहाल ज्वाइन करके जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनका लोकप्रियता बढ़ा है। आप देखिए गढ़वा से गिरिराज सिंह जो है चुनाव लड़ रहे हैं। आपको समझना होगा कि ये सबका पार्टी है, सबको मिला जुला करके चलने वाला पार्टी, हर एक जाति धर्म को लेकर के चलने वाली पार्टी है। इसीलिए हम आप लोग के माध्यम से कहते हैं कि आप जनता हैं, आप मालिक हैं, आप एक बार मौका दीजिए, आने वाला समय में हर एक जाति धर्म के लोग को लेकर चलने का हमें सक्षम रखते हैं। आपके माध्यम से आप जानते होंगे कि अजमल जो है बिना विधायक बिना सांसद रहते हुए जो है कितने लोग को नौकरी लगाया है, लड़ झगड़ कर लगाया है, तो आपके माध्यम से कहना चाहते जिस दिन हम विधायक बन गए, यहाँ का ऐसा कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं होगा जहाँ पे लोकल आदमी काम नहीं करेगा, जहाँ पे स्थानीय लोग काम नहीं करेगा, और वैसा कोई कंपनी नहीं होगा संजय काम करता है, वैसा कंपनी हम लोग रहने भी नहीं थे। इस बार जनता हमको मालिक समझा है, हमको मालिक के तौर पर हमको जनता ने हमको हम मालिक है, हमको सेवक के तौर पर हमको चुना है। इस बार प्रतिनिधि जनता तय कर रही है, जनता तय कर रही है, इस बार ऐतिहासिक होगा। आने वाला समय में टुंडी विधानसभा में एक तरफा वोटिंग जा रहा है, यहाँ के नौजवानों ने भीड़ा उठाया है, यहाँ के बड़ा बुजुर्ग महिलाओं ने भीड़ा उठाया है। आज देखिए ना, हम घोषणा किए थे कि हम जो 28 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, आज हजारों की तादाद में गाड़ियाँ निकली। आज समझ लीजिए कि यहाँ के युवा ने क्या चाह रहा है, तो वो चीज़ जो है हम लोग देने का काम करेंगे।